दोस्तों बॉलीवुड में अपने चुलबुले अंदाज, अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपने बेहतरीन एक्सप्रेशन से सभी के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस जूही चावला अपने वक्त की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। लेकिन आज भी जूही चावला की कॉमिक टाइमिंग से बेहतर बॉलीवुड में कोई भी एक्ट्रेस उनकी कॉमिक टाइमिंग को मात नहीं दे सकती। अपने वक्त की सुपरहिट अदाकारा रह चुकी जूही चावला आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती की वजह से सभी के दिलों में राज करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक्ट्रेस जूही चावला और बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के बारे में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद ही आपको मालूम होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा आया था जब एक्ट्रेस जूही चावला ने सलमान खान के साथ काम करने से मना कर दिया था। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। दोस्तों एक्ट्रेस जूही चावला ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया साल 1986 में फिल्म सल्तनत से, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। लेकिन फिर साल 1988 में जूही चावला ने काम किया बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत में, और यह फिल्म उनके करियर की बेहतरीन फिल्म रही। बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद से ही जूही की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। इसके बाद एक्ट्रेस जूही और आमिर खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी को देखने के लिए उनके फैंस उनके फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी करने लगे। वे जूही चावला ने बॉलीवुड के दो सुपरस्टार खान यानी कि शाहरुख खान और आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना मस्ताना में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही स्क्रीन शेयर की है। इस फिल्म में सलमान खान का एक कैमियो रोल था, लेकिन इसके बाद सलमान खान ने जूही चावला के साथ कभी काम नहीं किया। इसका मेन रीजन यही रहा कि जिस वक्त जूही चावला सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ रही थी, उस वक्त सलमान खान बॉलीवुड में न्यू कमर के तौर पर देखे जाते थे, और यही रीजन रहा कि उस वक्त एक्ट्रेस जूही चावला ने भाईजान के साथ काम करने से मना तक कर दिया था। लेकिन अब जब जूही चावला ने सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा जताई, तब सलमान खान ने उन्हें जवाब देते हुए ये कह दिया कि अब वो सलमान खान की माँ ही बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये वाक्या है बिग बॉस सीजन 9 के स्टेज का। उस वक्त एक्ट्रेस जूही चावला अपनी फिल्म चौक एंड दस्तर के प्रमोशन के लिए बिग बॉस सीजन 9 में आई थी, और तभी जूही चावला ने ये कहा कि वो सलमान खान के जनरेशन की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं कि उन्होंने सलमान खान के साथ काम नहीं किया। और तभी भाईजान ने जूही चावला को जवाब देते हुए वो दिन याद दिला दिया जब जूही चावला ने उनके साथ काम करने तक के लिए मना कर दिया था। दरअसल सलमान खान ने फिल्म मैंने प्यार किया में सबसे पहले एक्ट्रेस जूही चावला को कास्ट करने की बात कही थी, लेकिन जब फिल्म प्रोड्यूसर बब्बी कैंट जूही के पास सलमान खान के साथ काम करने का ऑफर लेकर गए, तब उन्होंने सलमान की जगह आमिर खान को कास्ट करने की बात कह दी, और यही बात एक्टर सलमान खान को काफी ज्यादा बुरी लग गई। और तब से लेकर अब तक ना तो एक्ट्रेस जूही चावला के पास सलमान खान के साथ काम करने का मौका आया, और ना ही कभी सलमान खान ने दोबारा जूही चावला का नाम किसी भी प्रोड्यूसर को रिकमेंड किया। लेकिन अब जब एक्ट्रेस जूही चावला ने खुद सलमान खान के साथ काम करने की इच्छा जताई, तो सलमान खान की बेरुखी इस कदर नजर आई कि उन्होंने जूही चावला को अपनी फिल्मों में उनकी मां बनने का ऑफर दे दिया। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से बातों ही बातों में एक्टर सलमान खान ने जूही चावला से अपनी सालों पुरानी दुश्मनी का बदला इस अंदाज में लिया है। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है, और साथ ही आपको क्या लगता है कि आप एक्टर सलमान खान और जूही चावला को एक साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं, आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।